हेलो गाइज, मेरा नाम है सिमोन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक न्यू और कमाल की वीडियो में। गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ बोर्ड के कनेक्शन। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा किस तरह के वो बोर्ड थे। मेरे पास तो एक्चुअली 3-4 नहीं बल्कि 6 बोर्ड के करीब हैं, 44 वाले। आपको मैंने भी थंबनेल में इतने ही दिखाए थे, बिकॉज कुछ बोर्ड किसी मशीन में लगे हुए हैं तो उनको निकाल नहीं रहा था मैं फालतू के लिए, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच खींच के आपको दिखा दिए थंबनेल पे। और अभी मेरे पास कुछ ये बोर्ड हैं, आप देख सकते हैं, इनको भी आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा। तो इनमें से मैं आपको बता दूं कि मैं इस वाले बोर्ड की आज वायरिंग बताने वाला हूं। बाकी अगर ये वाले बोर्ड की या फिर इस वाले बोर्ड की आपको वायरिंग चाहिए, आप चाहते हैं इसकी वायरिंग देखना, अगर आपके पास भी ऐसा बोर्ड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इनकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए गाइस मैं इस वाले बोर्ड के कनेक्शन बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये बोर्ड है, और तीनों बोर्ड गाइस 44 आईसी के ही हैं। आप देख सकते हो सब में वही आईसी लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को। गाइस चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बैटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कहाँ पे करना है आपको अपने बोर्ड पे। तो गाइस बैटरी के तो बहुत ही ईजी है, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है उधर ही पे आपको माइनस पे माइनस लगा देना है बैटरी का, और प्लस का प्लस। ये देखिए माइनस वाली पिन गई है, आईसी की तरफ है इसकी माइनस वाली पिन, तो आईसी की तरफ माइनस वाली पिन यानी कि ये हो गई और प्लस वाली ये हो गई। तो माइनस यहाँ लगा देना है आपको और प्लस यहाँ पे लगा देना है, तो आपके बैटरी कनेक्शन हो जाएंगे। इसी से जुड़े हुए अगर आपके बोर्ड में ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यानी ये डायोड वाला सिस्टम लगा है, तो फिर आपको इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कर देना है, प्लस माइनस नहीं होता इसमें। तो आपका इजीली ट्रांसफार्मर और बैटरी कनेक्शन हम जिससे भी पावर देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं पावर। इसके बाद बात करते हैं गाइस स्पीकर की। तो स्पीकर कनेक्शन आपको जब बोर्ड सीधा है, यानी आईसी आपको आईसी को देखना है, ये सीधी आईसी है, आप बोर्ड उल्टा करते हैं तो ये आईसी उल्टी हो गई, और जब गाइस आप उल्टी आईसी की पिन काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 नंबर की पिन और 5 नंबर की पिन पे आपको ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा। 1, 2, 3 ये 3 नंबर की पिन ट्रैक करते हुए ये आ गई, और 5 नंबर की पिन ये ट्रैक करते हुए ये आ गई। तो इस वाले और इस वाले पॉइंट पे यानी 3 नंबर और 5 नंबर की पिन अपनी स्पीकर आउटपुट होती है, तो आप दोनों का ऐसा ही देख सकते हैं। 3 नंबर 5 नंबर ऑडियो आउटपुट है, ये वाली ऑडियो स्पीकर आउटपुट है, तो आप इसमें कोई भी स्पीकर लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब इसके बाद करते हैं आईसी का ऑडियो इनपुट, कि आईसी में जो ऑडियो इनपुट होता है वो कहाँ से होता है। तो देखिए पूरे बोर्ड में आपको कहीं भी पॉइंट छूटे हुए चेक करने हैं कि पॉइंट छूटे हुए कहाँ पर हैं। देखिए एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ये जोड़ के इधर ही आ गया है, तो हम एक यहाँ उठाते हैं एक यहाँ उठाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी राइट आईसी का है, और ये वाला हमारा लेफ्ट आईसी का है। तो ये एक ये और एक ये इनके ऑडियो इनपुट हैं, यानी कि जब ऑक्स से आप पावर दोगे तो आप डायरेक्ट इधर दे सकते हो। अगर आपका बेस टेबल वाला सेक्शन खराब है या किसी भी कारण आप उसका कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। एक ग्राउंड तो आपको पता ही होगा पूरी बॉडी का सेम होता है, तो ग्राउंड आपको पूरी बॉडी में से कहीं भी उठा लेना, जैसे ये वाला इसमें ग्राउंड है ये वाला, और माइनस पे भी आप देख सकते हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट राइट आपका ये हो जाएगा, और ग्राउंड आप पूरी बॉडी में से कहीं भी दे दीजिएगा। तो एक आईसी का लेफ्ट ये मान लीजिए, एक आईसी का राइट वाला हमने यहाँ पे लगा दिया, ग्राउंड दे दिया, तो इसको दो तार मिल गए अपना ऑडियो इनपुट के लिए, और सेम इसके साथ भी ऐसा ही होगा, राइट वाला लगा दिया उसको भी ग्राउंड दे दिया तो चल गया। तो अपने को 3 तार निकलते हैं ऑक्स में से, जो एक यहाँ पे लेफ्ट राइट और ग्राउंड कहीं भी आप दे सकते हो पूरी बॉडी में, यहाँ पे दे सकते हो और माइनस पे भी दे सकते हो, आपको जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपको बेस टेबल वाले सेक्शन के साथ से अपना काम करना है तो कैसे होगा, उसके लिए गाइस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए बेस टेबल वाला सेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो कुछ इस तरह से आपको अलग से बेस टेबल वाला सेक्शन मिल जाएगा। ये हमारा पावर का सेक्शन है, ये हमारा ऊपर जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आईसी का है, और नीचे वाला जो सेक्शन है हमारा ये बेस टेबल वाला। और आपको कुछ ऐसे अपने बोर्ड में लंबी लंबी सी पिन दिख जाएंगी, ये देखिए ये पिन लग रखी है ना, यही है हमारे बेस टेबल कनेक्शन। ये एक आईसी का, ये एक आईसी का, यानी मीन्स दिस मीन्स ये एक चैनल का है और ये एक चैनल का है। एक चैनल का बेस टेबल का कनेक्शन यहाँ होगा, 6 पिन मिल जाएंगे आपको। एक चैनल का बेस टेबल कनेक्शन यहाँ से होगा, 6 पिन मिल जाएंगे आपको। तो 3-3 के पेयर में आपको वायरिंग कर लेनी है, 1, 2, 3 अलग निकाल ली, 1, 2, 3 अलग निकाल ली, सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है। अब ऑक्स की पावर देनी है आपको, ऑक्स जस्ट अब जब आपको जब आपका बेस टेबल वाला सेक्शन खराब था या वायरिंग आप नहीं कर पा रहे थे उसकी, या फिर वायरिंग आप उसकी नहीं कर पा रहे थे, उस केस में आपने
डायरेक्ट आईसी में इनपुट दे दी थी, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि उधर पे इनपुट नहीं देनी है, आपको उधर पे लग जाएगा वॉल्यूम वाला कनेक्शन। पहले आप ऑक्स समझ लीजिए, फिर आपको आगे समझाता हूँ। ऑक्स का कनेक्शन करने के लिए गाइस बेस टेबल वाले सेक्शन में आपको देखना है, क्योंकि अगर आप बेस टेबल वाले सेक्शन को भी चलाना चाहते हैं तो आपको जो ऑडियो इनपुट है वो बेस टेबल वाले सेक्शन में ही देनी पड़ेगी। तो लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, ग्राउंड हमारा ये मिड में, लेफ्ट ये लेफ्ट ये राइट ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑडियो इनपुट दे सकते हैं, फिर इसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपने पोटेंशियोमीटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन करके वॉल्यूम मतलब फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर ली, बेस ज़्यादा चाहिए ट्रेबल ज़्यादा चाहिए ऐसे करके। इसके बाद गाइज बेस ट्रेबल वाले सेक्शन से ऑडियो आउटपुट हुआ, यहाँ से इनपुट हुआ, फिर यहाँ से हमने उसको अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर लिया, बेस ट्रेबल जो बढ़ाना घटाना था बढ़ा घटा लिया। इसके बाद गाइज जब अपने बेस ट्रेबल वाले सेक्शन से ऑडियो आउटपुट जाएगा तब गाइज हमको देखने के मिलेगा यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया, राइट वाला ये हो गया, लेफ्ट वाला ये हो गया, ग्राउंड अपना सेम है। तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना है वॉल्यूम में, अगर आपको पोटेंशियोमीटर लगाना है आवाज तेज धीमी करने के लिए, तो आप एक काम करेंगे, आपको 6 पिन वाला पोटेंशियोमीटर लेना है, 100K का भी ले सकते हो आप, 100K का जो पोटेंशियोमीटर होता है उस पे आपको बीच वाली जो पिन होगी, दो जो बीच वाली पिन है उसको आपको एक यहाँ से उठाना है एक यहाँ पे, और बीच की मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हैं, तो बीच वाली जो पिन होगी उस पे आपको कर लेना है इसका आईसी के इनपुट का कनेक्शन। और एक तरफ जिस तरफ आवाज कम होती है उस तरफ की जो दो पिन होंगी उसमें आपको ग्राउंड दोनों में जोड़ देना, दोनों को ऐसे भिड़ा करके आपस में ग्राउंड जोड़ दीजिएगा। ये जो बेस ट्रेबल का आउटपुट है यानी कि ये वाला और ये वाला, ये हो गया बेस ट्रेबल का आउटपुट लेफ्ट राइट, तो ये वाला आपको आगे जोड़ना है, मतलब जिस तरफ से आवाज बढ़ती है तो जिस तरफ आप आवाज पूरी फुल कर लें उसकी, तो उस तरफ देखना है जो दो पिन लगी होंगी उस तरफ पे, तो उधर पे आपको एक कनेक्शन कर देना लेफ्ट राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, इतना हम लोग ध्यान नहीं देते गाने सुनते हुए। तो आपको डायरेक्टली बस कोई भी तार कहीं भी उस समय लगा देना है और आपका काम हो जाएगा। अगर आपको पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना है उस पे तो कोई बात नहीं, वैसे आप ऐसा कर सकते कि राइट वाला उठाया आपने, राइट में जंपर के थ्रू जंप वायरिंग कर दी और इसका उठा करके यहाँ सोल्डरिंग कर दी, आपका काम हो गया। बेस टेबल का आपको बता ही चुका हूँ, आई थिंक सारे कनेक्शन हो गए। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं इस बोर्ड की वायरिंग भी आपको करके चला करके भी दिखा देता। अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी पूरी वायरिंग करके और आपको गाना चला करके भी दिखा दूंगा। और यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको दोस्तों और कोई बोर्ड का कनेक्शन देखना हो इसका या फिर इसका, तो गाइज मैं बता दूँ कि आप अगर दोबारा से इसका देखना चाहते हैं कनेक्शन, तो आप इसको बोर्ड नंबर 1 का समझ में नहीं आया दोबारा बना दो ऐसे करके बोल सकते हो, ये 2 नंबर का बोर्ड हो गया, ये 3 नंबर का बोर्ड हो गया, तो आप मुझे कमेंट में इस तरह से बता सकते हैं कि 2 नंबर के बोर्ड का कनेक्शन बता दो, मेरे पास भी है सेम बोर्ड, या फिर 3 नंबर के बोर्ड का, 3 नंबर का बोर्ड का इसी FM वाला बोर्ड है, अगर आपने कभी FM खोला हो उसके अंदर से देखा हो तो FM के अंदर ऐसा बोर्ड लगा होता है, मैंने उसी के अंदर से बोर्ड निकाला हुआ है। तो मुझे पता नहीं इसकी IC सही है कि खराब है, का खराब है, का सही है, तो मज़ा आएगा गाइज इस वाले बोर्ड को भी चेक करने में, वायरिंग करने में, तो देखेंगे गाइज। अगर आप कहते हो तो मैं इसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मेरे पास 1-2 और बोर्ड है, उन वाले बोर्डों को गाइज मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा अब आगे से, बिकॉज अभी तक थोड़ा काम मेरा डिस्टर्ब चला था इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, और अभी मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।